हाय गाइस, तो कैसे हो आप सभी गाइस। ये मुझे विट ब्लॉक्स की तरफ से कुरियर मिला है, तो चलिए फटाफट इसी की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या आया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो दो इस टाइप के बॉक्स इसके अंदर निकला है और वाव गाइस, ये तो रोबोटिक किट निकला। तो यहाँ पर देख सकते हो दो बॉक्स मिला है, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के लग रहे हैं, तो इसे खोल कर देखेंगे गाइस। और ये किट काफ़ी सस्ता मिलता है, आप भी खरीद सकते हो गाइस। ये जो है विट ब्लॉक्स की तरफ से आता है रोबोटिक किट, और इस एक किट की मदद से हम जो है 100 से भी ज़्यादा DIY प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और ये इंडिया की नंबर 1 DIY किट है। इसी टाइप से गाइस ये मुझे दूसरा किट मिला है, ये जो है AI एडिशन है, देख सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इसमें काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट मिलते हैं वो दूसरे वाले बॉक्स की तुलना में। तो आज की वीडियो में गाइस मैं इस AI किट को ही अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो फटाफट से गाइस मैं इसके सील को कट कर लेता हूँ जो कि नीचे साइड में दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें इसका यूज़र मैनुअल दिखा है, देख सकते हो, और इसमें वारंटी कार्ड भी लगा हुआ है। तो ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा गाइस कि इसमें 1 साल की वारंटी मिलती है। इसके लिए हमें इनकी वेबसाइट या फिर इनकी ऐप पर इस किट को रजिस्टर करना होता है, और इस मैनुअल के अंदर देख सकते हो इनमें किट को कैसे असेंबल करना है इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। तो फिलहाल इन सभी को अभी रखते हैं साइड में और देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या मिला हुआ है। तो यहाँ पर गाइस ये रोबोटिक किट के अंदर दो हमें जो है इस टाइप के सेट मिलता है जिसकी मदद से हम रोबोट कार और स्टडी लैम्प बना सकते हैं। तो इस टाइप के ये स्टेंसिल मिला है, तो इसे बनाकर हम देखेंगे बाद में। तो अभी के लिए गाइस इन दोनों को साइड में रखते हैं, और बॉक्स के अंदर देख सकते हो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और मॉड्यूल वगैरह हैं, तो इसे एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर देख सकते हो दो हमें बीओ गियर मोटर मिला है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, और इन दोनों मोटर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर दो हमें मोटर ड्राइवर मिला है। अब गाइस देखते हैं अगला कंपोनेंट। तो यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर हमें मिला है एक 9 ग्राम का सर्वो मोटर, और इस सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए एक सर्वो टेस्टर भी दिया गया है। इस मोटर के लिए कुछ अटैचमेंट भी इसमें मिला है जो कि हम प्रोजेक्ट बनाने में यूज़ में ले सकते हैं। गाइस इस किट में काफ़ी सारे जो है मॉड्यूल वगैरह दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, तो इन सभी का नाम मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो ये है गाइस लैंप ब्लॉक, इसे कहते हैं गाइस पावर ब्लॉक जिसमें हम पावर सप्लाई करते हैं। ये है गाइस वायर इंटेंशन ब्लॉक जिससे हम वायर को लंबा कर सकते हैं। ये है गाइस IR ब्लॉक या फिर डिस्टेंस ब्लॉक भी इसे कह सकते हैं। यह है एक इन्वर्ट ब्लॉक। तो यह है गाइस एक बजर ब्लॉक जिसे बजर मॉड्यूल भी कह सकते हैं। गाइस ये है एक डार्क सेंसर मॉड्यूल, इसे डार्क ब्लॉक भी कहते हैं, और इसमें एक LDR सेंसर भी दिया गया है। यह गाइस बैटरी क्लिप। इस रोबोटिक किट में हमें एक 9 वोल्ट की एल्कालाइन बैटरी भी मिल जाती है। इसमें हमें एक डबल साइडेड टेप मिला है और दो इस टाइप के व्हील मिला है जो कि बीओ गियर मोटर के अंदर लगेगा। तो काफ़ी अच्छी है बात है गाइस, इसमें हर छोटी से छोटी चीज़ दिया गया है जो कि आपको इस DIY रोबोटिक किट को बनाने में मदद करेगा। तो यहाँ पर स्क्रू भी दिया गया है। यह गाइस इस रोबोटिक किट का पूरा मेन कंपोनेंट जो है एक AI विज़न। तो यहाँ पर देख सकते हो ये विट ब्लॉक्स का AI विज़न ब्लॉक है, तो देख सकते हो इस टाइप का है। तो गाइस इस ब्लॉक के अंदर हमें Wi-Fi मिलता है जो कि मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस Wi-Fi मॉड्यूल को कैसे ऑपरेट करना है इसके बारे में इनके ऐप पर काफ़ी सारे वीडियो दिया गया है, जिसे देख कर आप इसे ऑपरेट करना सीख सकते हो और इसे काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बना सकते हो। अगला यहाँ पर गाइस विट ब्लॉक्स का एक यहाँ पर हमें बैच मिला है जो कि काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स इस रोबोटिक किट के अंदर ये मुझे गिफ्ट मिला है, देख सकते हो स्पेशल गिफ्ट फॉर यू। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या मिला है। तो वाव गाइस यहाँ पर हमें दो प्रोपेलर मिला है और एक DC मोटर मिला है। अभी समर सीजन है तो इसकी मदद से हम टेबल फैन या कूलर वगैरह बना सकते हैं। फ्रेंड्स तो इस रोबोटिक किट के अंदर आपको इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मिलेगा, काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं, तो इससे आप अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट बना सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में गाइस मैं आपको एक लाइन फॉलोवर रोबोट बनाकर दिखाऊंगा। तो इसके लिए गाइस हमें एक रोबोटिक कार का ये सीट दिया गया है जो कि फोम का बना हुआ है। तो इसमें काफ़ी सारे जो है ये टुकड़े दिए गए हैं, तो इन्हें हमें सबसे पहले तो खोल करके स्टेप से अलग अलग कर लेना है। अब गाइस कैसे क्या असेंबल करना है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, तो इसे फॉलो कर हम आसानी से इस रोबोट कार को असेंबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए गाइस मैं यहाँ पर आपको टाइम लैप्स से दिखा रहा हूँ जिससे आपका टाइम बच सके।
तो ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है मैनुअल में कैसे बनाना है, तो उसे देखकर आप आसानी से इस आरसी कॉइल को पूरी तरह से असेंबल कर सकते हो। गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन से जो है ब्लॉक लगेगा। तो सबसे पहले आपको एक पावर ब्लॉक ले लेना है, इसके बाद आपको एक डिस्टेंस वाला ब्लॉक लेना है जिसमें आईआर सेंसर लगा होगा। इसके बाद हमें एक मोटर ड्राइवर को अटैच कर लेना है यहाँ पर, फिर एक इनवर्ट वाला ब्लॉक यहाँ पर कनेक्ट होगा। और ध्यान रखिएगा इस सभी कंपोनेंट जो है एक ही डायरेक्शन में लगना चाहिए। तो इसका पहचानने का तरीका यह है कि जो विड ब्लॉक से ऊपर में लिखा हुआ है लोगो वो सभी एक डायरेक्शन में होना चाहिए। वैसे इन सभी को कैसे जोड़ना है इनके मैनुअल में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैनुअल को आप पढ़ करके आसानी से सभी जो ब्लॉक है उसे आपस में जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर गाइस मैंने बैटरी से इस पावर ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया और स्विच ऑन करते ही ये रोबोट कार चलने लगेगा इस टाइप से। तो गाइस ये लाइन फॉलोवर कार है, तो इसके लिए हमें एक लाइन बनाना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने इस टाइप से एक ट्रैक बना लिया है ब्लैक कलर में। तो ये सिर्फ लाइन में ही चलेगा गाइस, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं चलेगा, बिल्कुल लाइन को ही फॉलो करेगा। जैसे ट्रेन पटरी में ही चलती है उसी टाइप से ये ब्लैक कलर के ट्रैक में ही चलेगा। फ्रेंड्स तो काफ़ी अच्छे से हमारा ये रोबोट कार चल रहा है, ये तो मैंने लाइन फॉलोवर कार बनाया है। आप इससे डार्क सेंसर लगाकर इसे डार्क सेंसर रोबोट बना सकते हो, अलग अलग तरह के इससे रोबोट बना सकते हो। इनके ऐप पर काफ़ी सारे आपको वीडियो मिल जाएगा जिसे देखकर आप इस कार को अलग अलग तरह से बनाकर मॉडिफाई कर सकते हो। और गाइस जो आप प्रोजेक्ट बनाते हो इसकी वीडियो को आप इनकी ऐप पर अपलोड करके आप काफ़ी सारे कॉइन जीत सकते हो। इन कॉइन की मदद से आप अलग अलग तरह के DIY प्रोजेक्ट के किट खरीद सकते हो। यहाँ पर गाइस मैंने जो स्मार्ट स्टडी लैंप है इसे भी असेंबल कर लिया है। इसमें मैंने डार्क सेंसर लगाया है जो कि डार्क लाइट में जो है पूरी तरह से यहाँ पर ये लाइट जो है जलती है, और जैसे ही सेंसर पर लाइट पड़ती है लैंप जो है ऑफ हो जाती है। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, तो इसे भी मैंने बना लिया है। अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं, भाई बहने हैं, तो उन्हें आप दे सकते हो, उनके भी क्रिएटिविटी बढ़ेगा इस किट से, काफ़ी अच्छा किट है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैं इस स्मार्ट स्टडी लैंप के ऊपर जो है DC मोटर और फैन जोड़कर इस टाइप से टेबल फैन बना दिया है। तो इससे हम काफ़ी तरह के प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि इनके बॉक्स में लिखा था 101 तरह के DIY प्रोजेक्ट बना सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप इस किट से को कैसा इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो यहाँ पर गए जो AI विजन का ये Wi-Fi मॉड्यूल मिला है और जो सर्वो मोटर मिला है, इससे भी आप काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये किट और काफ़ी सस्ता भी मिल जाता है। तो अगर आपको ये परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैंने बाय लिंक दे दिया है। तो गाइस अगर आपको यह रोबोटिक किट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी देखने के लिए। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।